लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा नजर आ रहा है यहाँ पे। जी नहीं, आज तक करगिल की तारीख में ये पहली बार है कि ऐसा फन फेयर मेला हो रहा है। तो इस मेले का मकसद जो है वो ये है कि इसमें से जितने भी रकम या पैसे जमा होंगे वो यहाँ के गरीब और पसमंदा बच्चों के तालीम पर खर्च किया जाएगा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ का जो इलाका जो है वो तालीम के लिहाज से बहुत ही पीछे है, इसीलिए यूथ वॉलंटियर फार्म ने ये एक अपना एम बनाया है कि करगिल को तालीम की जेवर से आगाज करें। तो इस सिलसिले में ये मेला फन फेयर जो है यूथ वॉलंटियर फार्म ने ऑर्गेनाइज़ किया है। तो इस सिलसिले में हमें ये लोगों का रिस्पांस देखकर बहुत खुशी हुई। यहाँ पे आज तक जो है एक नज़रिया रहा है कि करगिल के आवाम के बारे में कि ये काफ़ी ऑर्थोडॉक्स फैनेटिकली रिलीजियस माइंडेड और बैकवर्ड करार दिया जाता है, लेकिन यहाँ का रिस्पांस देखे लोग काफ़ी शौकीन नज़र आ रहे हैं, वो अपना अच्छा बुराई पहचाना जानते हैं। जो बाहर के लोगों का मीडिया का जो रिस्पांस है करगिल के बारे में तो वो कुछ गलत नज़र आ रहा है, आपको क्या ख्याल है इसके बारे में? जी ऐसा बहुत ही ये एक दस्तूर ही रहा है कि सब कहते हैं कि करगिल जो है बहुत ही रिलीजियसली ये है, तो इसमें हर चीज़ ये इंटरटेनमेंट वगैरह नहीं हो सकता है। लिहाजा यूथ वॉलंटियर फॉर्म ने यह कदम उठाया, तो इसमें कोई गलत चीज़ें नहीं है, इसमें कोई गलत चीज़ या कोई गलत मतलब लेने का कोई ये नहीं है। जो कुछ हो रहा है वो सब आवाम के सामने है। तो लोगों का रिस्पॉन्स देकर हमें ये पता चला कि लोग कितने शौकीन हैं, तो लोग भी काफ़ी कुछ करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा हुआ यह है कि आज तक किसी ने इनिशिएट नहीं किया है, तो यूथ वॉलंटियर फॉर्म जो है वो वाहिद जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पहली बार ऐसे इसका इनिशिएट किया है। तो हमें इसी वजह से हम